लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए दो दो समस्या एक साथ आन पड़ी है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर दीपक टीनू, जो कि तकरीबन एक सप्ताह से पंजाब पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है, तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और मेंबर जो कि अरेस्ट हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार जिस तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू, जिसने पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुआ, और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और मेंबर अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद अब क्या क्या खबर सामने आ रही है, तो आज के इस वीडियो का पूरा देखना। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारा का सारा वारदात बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, बात है 9 मई 2022 ईस्वी की, जब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से पंजाब के मोहाली में आरपीजी अटैक करवाया गया था। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं आखिरकार आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरपीजी का फुल फॉर्म होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। ये एक हथियार होता है जिसको कि लोग कंधा पर लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ समय पहले की बात है जब बताया जाता है विदेश में छिपे कुछ गैंगस्टर, जिसमें कि एक का नाम गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा बताया जाता है उसने प्लानिंग करा कि किसी भी तरह से मोहाली में स्थित पुलिस के हेडक्वार्टर को ही उड़ा देना है, और इसलिए उन लोगों ने दो शूटरों का चयन करा, और दोनों शूटरों को बताया जाता है तकरीबन 10 लाख रुपया दिया गया। और बताया जाता है 10 लाख रुपया इसलिए दिया गया ताकि पंजाब पुलिस के पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया जाए। और बताया जाता है 9 मई 2022 की रात तकरीबन 8 बजे उन शूटरों ने वहां पर आरपीजी अटैक करा। आरपीजी अटैक करने के बाद मानो कि वहां पर पुलिस वालों के बीच एकदम मानो कि हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जाता है उस वक्त पुलिस वाले जो कि ड्यूटी पर थे नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे थे जो कि अपने अपने घर गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जाता है जब आरपीजी अटैक हुआ तो वहां पर पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उस हेडक्वार्टर का विंडो जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी को उस वक्त इस बात का पता नहीं लग पाया आखिरकार आरपीजी अटैक करा किसने, लेकिन दोस्तों आपको बता दें तकरीबन 2 से 3 महीने तक जब छानबीन करा गया, तो छानबीन करने के बाद आखिरकार पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मियों ने इस चीज़ का पता लगा ही लिया आखिरकार किसने अटैक करवाया था। तो दोस्तों फाइनली पता चल गया लखवीर सिंह लांडा, जो कि आज के समय में कनाडा में रहता है। हालांकि बात है साल 2017 की, जब बताया जाता है गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा जो कि पंजाब छोड़कर कनाडा चला गया, और कनाडा में बैठ करके वो कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार लखवीर सिंह लांडा के वजह से जिस तरह से दो शूटर तैयार हुआ और दोनों ने जिस तरह से पंजाब पुलिस के पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक करा, तो अटैक करने के बाद अब फाइनली पुलिस वालों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है और दोनों शूटरों को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं आखिरकार जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर दीपक टीनू एक सप्ताह पहले पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था, तो किस तरह से फरार हुआ और आखिरकार उसे फरार होने में किन किन लोगों ने मदद करा था। देखो, बताया जाता है कोई भी यदि आपराधिक काम करता है तो आपराधिक काम करने में कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी भागीदारी होता है। आज के समय में पुलिस वाले इतना अधिक करप्ट हो चुके हैं कि वो कई तरह का अपराधियों को समर्थन करते हैं, कई तरह का सपोर्ट देते हैं, और इसी तरह से बताया जाता है पंजाब पुलिस में कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं जो कि आज के समय में अपराधियों को काफ़ी छूट दे रखा है। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि कपूरथला जेल में रहता था, तो कपूरथला जेल से उसे मनसा कोर्ट की ओर लेकर जाना था, तो गैंगस्टर दीपक टीनू को प्रीतपाल सिंह जो कि पंजाब पुलिस के एसआई हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी दिया गया कि आपको कपूरथला से उसे आपको मनसा की ओर लेकर उसे आना है। लेकिन बताया जाता है बीच रास्ते में ही गैंगस्टर दीपक टीनू, जिसने प्रीतपाल सिंह से दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करने के बाद दीपक टीनू ने उसे कहा चलो आप मुझे मेरे गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। हालांकि बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जिसने उस पुलिस वाले को कुछ खर्चा भी दिया था, तो फाइनली गैंगस्टर दीपक टीनू को प्रीतपाल सिंह जो कि एक होटल में लेकर जाता है और उस पुलिसकर्मी जो कि महिला पुलिस कांस्टेबल होती है उससे मिलवाता है, और वहां से गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि अपने गर्लफ्रेंड की सहायता से फरार हो जाता है। तो आप सोच सकते हो एक जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो भी उसे छूट दिया, वो भी घुसखोर, और उसके बाद दूसरा जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है वो भी उस गैंगस्टर का समर्थन करती है, मदद करती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठना जायज है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हो कि सारे के सारे पुलिसकर्मी करप्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैक्सिमम पुलिसकर्मी जो कि करप्ट हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते हैं, और उन्हीं करप्ट ऑफिसरों के कारण जो भी ईमानदार पुलिसकर्मी हैं उन लोगों का भी नाम बदनाम होता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो कोई भी लोग हैं वो पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और लोगों का सवाल उठाना भी तो जायज़ है। लोगों का यही कहना है कि आखिरकार पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी मिलता है कि हम लोगों का सुरक्षा करना है, गैंगस्टरों को अरेस्ट करना है, अपराधियों को कभी भी छूट नहीं देना है, लेकिन पुलिस वाले जो कि ऐसा करते हैं नहीं। तो जिस तरह से एसआई प्रीतपाल सिंह ने गैंगस्टर दीपक टीनू को भागने में मदद करा, और जिस तरह से पंजाब पुलिस की महिला पुलिस कांस्टेबल जो कि गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड बन गई और उसके बाद उसे भगाने में उसका मदद करी, तो अब बताया जाता है प्रीतपाल सिंह को भी 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था, और फाइनली गैंगस्टर दीपक टीनू के साथ साथ अब प्रीतपाल सिंह को भी पकड़ा जाएगा।
लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू पिछले एक सप्ताह से भागा हुआ है तो पंजाब पुलिस को कहीं न कहीं अब तक जवाब तो देना ही चाहिए। हालांकि ये बताया जाता है कि इस मामले में ये जो महिला पुलिस कांस्टेबल है इसके पढ़ने की वजह से ही आज के समय में पुलिस वाले जो कि मीडिया कर्मी के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के पुलिस कर्मियों को यह लगता है कि अगर हम मीडिया कर्मियों के पास आएंगे तो क्या पता मीडिया कर्मी हम लोगों से बेतुका सवाल करना शुरू कर दे। क्योंकि इस मामले में जो कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल इंगेज है, तो आगे देखते हैं आखिरकार उस महिला पुलिस कांस्टेबल के बारे में क्या क्या खुलासा होता है। लेकिन फिलहाल प्रीतपाल सिंह का 4 दिन का रिमांड समाप्त हो चुका है और इन 4 दिनों के रिमांड में ये पता चला है प्रीतपाल सिंह जो कि एक शराबी पुलिस वाला है जो कि शराब के नशे में किसी भी अपराधी को छोड़ सकता है। हालांकि प्रीतपाल सिंह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया आखिरकार किस तरह से पंजाब के मोहाली में 9 मई 2022 ईस्वी को RPG अटैक करा गया था, जिस अटैक में कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आप लोग ये भी कर सकते हो कि भाई दो किन किन लोगों को अरेस्ट करा गया है। दोस्तों उसमें से एक का नाम बताया जाता है गैंगस्टर दीपक है और दूसरे का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो एक नाबालिग है और कोई भी मीडियाकर्मी किसी भी नाबालिग के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं कर सकता यदि वो आपराधिक काम किया हो। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया आखिरकार गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि तकरीबन एक सप्ताह से फरार है और एक सप्ताह के बाद भी पंजाब पुलिस को कुछ भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 2 शूटर जो कि अरेस्ट हो चुका है। तो आगे देखते हैं आखिरकार क्या होता है नहीं होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में और पंजाब पुलिस आगे क्या क्या हम लोगों तक खबर पहुँचाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो कोई भी नया खबर आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।